उनकी आने वाली नस्लें याद करेंगी इंशाल्लाह। हम सब कुछ कुर्बान करेंगे, लेकिन एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वो पाकिस्तान इमरान खान और ये जी। शहरयार अफरीदी साहब, आज अजलास हलफ लिया आपने, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ रब और रब के महबूब की हैं। ये ऐवान जो पाकिस्तान की आवाम की तर्जमान है, इसमें घुस बैठिए। ये जो चोर दरवाजे से आए हैं, शर्म हया और गैरत नाम की चीज़ होती तो ये कभी इस ऐवान का रुख ना करते। पाकिस्तानी कौम की गैरत को सलाम है, पाकिस्तान की माओं बुजुर्गों बेटों बेटियों को सलाम है कि इन्होंने तमाम मदारियों को रद्द कर दिया जो गैरों के इशारों पे चलते हैं। एक बावकार कौम है, सिंधी बलोची पंजाबी खैबर पख्तूनख्वा तमाम कौमों को सलाम है। और सबसे बढ़कर ये कि इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह हक और सच कालम जो मेरे कायद ने उठाया है, रब इज़्ज़ल जलाल के फजल से इसी ऐवान में वो वज़ीर आज़म का हल्फ लेंगे और बहुत जल्दी लेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ओपोजिशन कैसी होगी सर? ओपोजिशन ऐसी होगी कि इनकी आने वाली नस्लें याद करेंगी इंशाल्लाह। हम सब कुछ कुर्बान करेंगे, लेकिन एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वो पाकिस्तान इमरान खान और ये ऐवान। इमरान खान साहब आ रहे हैं यहाँ पे, वो इस टाइम अडियाला जेल में कैदी हैं सर। देखिये मेरी बात सुने, जिनका होने का यकीन अल्लाह से होता है उनके, और जिनका होने का यकीन आले बैत से होता है वो कभी भी लेफ्ट राइट नहीं होते। तो मेरा याद रखिए ये मेरे अल्फाज, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह इमरान खान बहुत जल्दी आएंगे और वजीर आजम पाकिस्तान बनेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसल भाई, आज आप असम्बली में मौजूद हैं, इमरान खान को याद कर रहे हैं आप? मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, पाकिस्तान की आन पाकिस्तान की शान इमरान खान, बहुत जल्द यहाँ पे होंगे इंशाल्लाह, वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द यहाँ पे होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये तो चोरी का मैंडेट सारा यहाँ पे चल रहा है, ये सब चीजें रिवर्स होंगी इंशाल्लाह। तो क्या समझते हैं, इमरान खान इस टाइम जेल में और आज हलफ उठाए जा रहे हैं और साथ ही ये पीछे लॉबी है जहां हलफ अवलीन मुतालबा, अवलीन मुतालबा, फोकस कर लेना चाहिए कि इमरान खान की रिहाई यही एक होना चाहिए, सब रजम है और इंशाल्लाह पूरी एक लगाना है। एक दो चीजें, एक इमरान खान की रिहाई और साथ में ये जो मैंडेट जो है ये वापस, जो जिसको पब्लिक ने वोट दिया है वो देखिए, एक चीज है हुक्मरान और आवाम के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट, इसका खात्मा बहुत ज़रूरी है, मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है। वो ट्रस्ट डेफिसिट क्यों होता है? क्योंकि वो जिन्हें को वोट नहीं दिया होता वो आ जाते हैं, इसलिए ट्रस्ट डेफिसिट होता है। इसका खात्मा बहुत ज़रूरी है तरक्की के लिए।